सफेद बाल अगर आपके आते हैं दाढ़ी पे, अगर आप उनसे परेशान हो, आप उनको काला करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए। आपको करना क्या, आपको एक पपीता लेना है, उसको काट के उसके छोटे छोटे पीस करके उसको मिक्सी के अंदर डाल देना है। आधा चम्मच आपको हल्दी डालनी है, 2 चम्मच एलोवेरा जेल डालना है और 2 ही चम्मच डालना है नारियल का तेल यानी कि कोकोनट ऑयल। मिक्सी को चला देना, मिक्सर बन जाएगा, दाढ़ी पे लगा के रात को सो जाना। 3 हफ्ते आप रेगुलर करो, दाढ़ी पर आपके जितने भी सफेद बाल हैं वो काले हो जाएंगे। सलाम वालेकुम। तो शहजादे कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत है। तो वीडियो को भाई की 31,000 बंदों ने डाउनलोड किया और भाईजान ने स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि भाईजान ने जो नुस्खा दिया आप अगर चाहें तो घर के ऊपर ट्राई कर सकते हैं। मैंने तो किया है खुद के ऊपर, बाकी मुझे तो कोई फ़र्क नहीं आया। हालाँकि मैंने इसके ऊपर एक दो वीडियो भी बनाई थी, वो सब कुछ किया था, बाकी भाई मैंने नेचुरल बहुत कुछ किया, बाकी मुझे तो कोई फ़र्क नहीं आया। फ़र्क आता है, ये नहीं कि नहीं आता। बाकी अगर आप क्लीनेक्स लगाएंगे या आप कोई वाइट कपड़ा अपने चेहरे के ऊपर लगाएंगे तो जितना भी आपने अपनी कोई रेमडी लगाई है ना, वो सब आपके टिशू के ऊपर या उसके ऊपर कपड़े के ऊपर आ जाती है। तो जो सबसे बेस्ट तरीका भाई मुझे तो वो यही लगता है इसके ऊपर। हालांकि मैंने बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ कलर के बारे में, अगर आपके पास कोई भी कलर है, बशर्त ये है कि अगर सिर्फ तरीका आना चाहिए। कुछ कलर ऐसे होते हैं जो स्किन के ऊपर आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो स्किन के ऊपर नहीं आते। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ उस बंदे को ही दिखाना था कि भाई अगर आपको यकीन लगता है या आपको ऐसा लगता है कि नेचुरल रेमडी ऐसी है, तो जो वीडियो के स्टार्ट के ऊपर जहाँ पे 31,000 बंदों ने साथ डाउनलोड वीडियो की है, वहाँ पे आप भी इसको एक बार ट्राई कर लें। बाकी मैंने तो किया, बाकी मुझे तो कोई फ़र्क नहीं आया। मुझे जो फ़र्क आया वो बंदा भी आपके सामने है, मैं काम भी आपके सामने कर रहा हूँ। मुझे तो फ़र्क सिर्फ इस बंदे से ही आया और इस कलर से ही आया। रेमडी से तो मुझे आज तक, हालांकि कोई मुझे एलर्जी नहीं है कोई रेमडी से, हालांकि आपका नेचुरल काम हो जाए तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही है कि चलो आपका काम हो जाता है। बाकी यह है कि मैंने भी सब कुछ करके देख लिया, एंड हो गया, बाकी मुझे तो कोई फ़र्क नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था। दुआ में याद रखिएगा, अगर आपको बंदे की रेमडी अच्छी लगी तो आप लोगों ने फिर लाजमी जो है ना घर के ऊपर ट्राई करनी है। करके मैं नहीं कह रहा, आपने अपनी मर्ज़ी करनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था।